हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल दी विस्कीपीडिया पे। मैं हूं आपका होस्ट अमित। तो गाइस, फाइनली आ गई है हमारे टेबल पे पॉल जॉन निर्वाना, द ग्रेट इंडियन सिंगल मॉल्ट। आज मैं करूंगा इसका कंप्लीट रिव्यू, बताऊंगा आपको ये पीने में कैसी है, किस प्राइस रेंज में ये हमें इंडिया में मिल जाती है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत कुछ सुना है मैंने इसके बारे में, काफ़ी रिव्यूज़ देखे हैं, तो अंदर एक वो एक्साइटमेंट हो जाती है एक प्रोडक्ट को पीने के लिए, क्योंकि आज तक मैंने कभी इसको टेस्ट नहीं किया है। तो मैं भी आपके जैसा ही हूँ, फर्स्ट टाइम ही इसको जो है टेस्ट करूँगा आज इस चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, पॉल जॉन निर्वाना इंडिया में बनने वाली इंडिया की सिंगल मॉल्ट कंपनी ने इसमें यूज किया है 6 रो बाल्ले का, जो कि कंपनी लेती है मेनली राजस्थान से और हरियाणा से। प्राइस इतना ज्यादा जेन्युइन रखा है कंपनी ने इसका, ताकि ये सब इंडियंस की पॉकेट में फिट हो जाए, सब इसको आराम से बाय करके पी सकें। पैकेजिंग की बात की जाए, बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट कलर ऑरेंज कलर का यूज किया है कंपनी ने, जो कि आप आराम से दूर से रिकॉग्नाइज कर पाओगे। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे ऊपर हिमालयस बने हैं, नीचे एलिफेंट का इन्होंने यूज किया है बहुत बड़े, उसके नीचे जो है फार्मर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो लुक बनाई है कंपनी ने, ये पूरे इंडिया को दर्शाती है। बहुत ही अच्छी एक ओवरऑल पैकेजिंग है। एल्कोहल स्ट्रेंथ की बात कर ली जाए, तो इसमें 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल स्ट्रेंथ है। ये अनपीटेड वर्जन है, कहने का मतलब आपको इसमें स्मोकीनेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो अब जल्दी से मैं इसकी बॉटल बाहर निकालता हूं, फिर इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, फिर करेंगे इसकी नोजिंग और फिर करेंगे इसका टेस्ट। तो दोस्तों, ये है बॉटल पॉल जॉन निर्वाना की। देखने में बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी लुक है इसकी। प्राइस की बात कर ली जाए, मुझे मिली है ये 1700 की चंडीगढ़ से। जी हाँ, सिर्फ 1700 रुपये में इंडियन सिंगल मॉल्ट, बहुत ही ज्यादा जेन्युइन प्राइस है। मेरे हिसाब से इससे कम प्राइस रेंज में इंडियन सिंगल मॉल्ट आपको नहीं मिलेगी। पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बॉटल देखने में बहुत अच्छी है। तो अब जल्दी से इसको पोर करते हैं अपने ग्लास में। इतनी देर में प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस अच्छी लगे तो यार आगे शेयर भी कर दिया करो। तो गाइस, जल्दी से ओपन करते हैं इसको, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। इतना कुछ सुना है इसके बारे में, एक अंदर वो तलब मच जाती है पीने के लिए। भाई वाह, बहुत ही प्यारी खुशबू है इसकी। अब थोड़ा सा पोर करते हैं इसको। गाइस, कलर की बात कर ली जाए, सबसे प्यारी बात जो इसमें है, इसमें बिल्कुल भी एडिट कलर्स का यूज नहीं किया गया है। जी हाँ, जो भी आप कलर इसमें देख रहे हो, ये बिल्कुल नेचुरल है, कोई भी कलर इसमें नहीं डाला गया है। बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये एक इंडियन कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी इससे बन जाती है। लेग्स की बात कर ली जाए, इसकी काफ़ी अच्छी लेग्स बन रही हैं, मीडियम लेग्स बन रही हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। इसका जो अरोमा है वो पूरे इन्वायरमेंट में जो है मिक्स हो गया है, बहुत अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस इसमें से आ रही है। तो अब जल्दी से मैं करता हूँ इसकी नोजिंग। चीयर्स। दोस्तों, काफी डिफरेंट है इसकी नोजिंग बाकी विस्की से, हल्का हल्का जैसे बादाम रोगन होता है, जो बादामों का तेल होता है, वैसी कुछ कुछ नोजिंग मुझे इसमें से आ रही है। हल्की हल्की ऑयली ऑयल्स जैसी खुशबू इसमें से आ रही है। थोड़ी सी फ्रूटी है, फ्रूट्स की काफी अच्छी नोजिंग आ रही है। बहुत ही डिफरेंट है, कहने का मतलब मैंने ऐसी नोजिंग अभी तक किसी भी विस्की की नहीं की। काफी डिफरेंट सा अरोमा है इसका। अब
अब मुझे इसमें से एप्रिकॉट्स की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हल्की सी खट्टापन, हल्का सा खटास, वो भी एप्रिकॉट्स का, वो काफी अच्छे से मिल रहा है। काफी इंप्रेस हूं मैं इसकी नोजिंग से, काफी डिफरेंट है। अब जल्दी से करते हैं इसका टेस्ट। चीयर्स। वेरी लाइट ऑन पैलेट, बहुत इजीली मेरे नीचे गई, हल्की सी इसमें स्पाइसीनेस है, एक स्पाइसीनेस जैसे ही खत्म हो रही है, एक स्वीटनेस इसमें से उबर के बाहर आ रही है, जैसे कि फ्रूट जैम हो, जैम जैसी टेस्ट इसमें से आ रहा है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। स्मोक वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, वेरी स्वीट ऑन पैलेट, जैसे कि फ्रूट केक होता है वैसा कुछ कुछ टेस्ट इसमें से आ रहा है। काफ़ी लाइट है ये, बिल्कुल भी कोटिंग नहीं दे रही ये माउथ में, कहने का मतलब इसके जो ऑयल्स वगैरह हैं वो मेरी माउथ में इतनी कोटिंग नहीं दे रहे, जल्दी से वैनिश हो रही है, बहुत ईजिली नीचे जा रही है। नीट आप इसको पी सकते हो, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक रहा है माउथ में, जल्दी से फेड ऑफ हो रहा है, जल्दी से वो ख़त्म भी हो रहा है, लेकिन इस प्राइस रेंज में इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू प्राइस, टेस्ट एंड क्वालिटी, भाई आज मैं दूंगा इसको 9 out of 10। जी हाँ, और क्यों ना दूँ, क्योंकि भाई दूसरी सिंगल मोड्स आती हैं 3000 में, 3500 में, उससे हाफ रेट में ये मुझे मिली है 1700 रुपये में, और उस प्राइस रेंज में बहुत ही प्यारी चॉइस है ये, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। जिसने सिंगल मोल्ट पीना शुरू करना है वो इसको ज़रूर ट्राई कर सकता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट इसमें उबर के बाहर आता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।